सो फाइनली दोस्तों सन्नी देओल ने फिर से एक बार जी दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गाइज मैं बता दूं गदर फिल्म रिलीज हुई थी एंड दोस्तों बेहद ही कम स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। उसके बाद दोस्तों यहां पर कर्ण अर्जुन शाहरुख खान सलमान की फिल्म रिलीज हुई है आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद। लेकिन दोस्तों फिर भी एक तरफ जहां पर 2200 स्क्रीन मिले करण अर्जुन को एंड दोस्तों यहां पर संदीप पाजी ने भाई साहब कम स्क्रीन में बताऊं कितने सीरीज पर रिलीज हुई है कम स्क्रीन में करण अर्जुन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गाइस एक बार फिर से संदीप पाजी को वो मौका मिल गया जो गाइस अगर ये मौका 90s में आती गदर एंड करण अर्जुन एक दिन एक साथ क्लैश होती तो दोस्तों आप लोग सोचते कि कौन फिल्म बाजी मारती। भाई सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स संदीप पाजी ने हिस्ट्री फिर से बना दिया। तो गाइस पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना और चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू सो मच सन्नी देओल फैंस आ जाओ और क्योंकि मैं आपके लिए एक बार नया कंटेंट लेकर आऊं। जी हां दोस्तों थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, लाइक कमेंट भर भर के कर रहे हो एंड गाइस जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं ना भाई उस रफ्तार से हमें लगता है कि हम जल्दी ही 50,000 पहुंचेंगे एंड ऑर्गेनिकली नॉट इन अ प्रमोशन। गाइस कुछ लोग सोचते हो रवि भाई प्रमोशन तो नहीं करते हो, भाई सीरियसली बताऊं गॉड बाय गॉड मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करता और जो भी मेरे व्यूज आते हैं दोस्तों ऑर्गेनिकली आप लोगों के आशीर्वाद से ही आते हैं। आप लोग जो देखते हो वही आता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है भैया कि मैं प्रमोशन कर सकूं, सच्ची बताऊं दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भगवान और आप लोग हो दूसरे भगवान, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर प्रमोशन की क्या ही जरूरत है क्योंकि आप लोग ही जनता का प्यार ही सबसे बड़ा प्रमोशन है। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। कुछ लोग देख रहा हूं कि भाई साहब दबा के प्रमोशन लगा रखा है, चैनल को जोड़ रखा है, दबा के प्रमोशन कर रहे हैं भाई। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं मुझे जरूरत नहीं है, मैं वो कछुआ हूं जो खरगोश की रेस में अगर जुड़ा भी रहा तो भाई साहब खरगोश की रेस में मेरा अगर कंपटीशन हो भी जाए तो मैं भले ही हार जाऊं लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंच के एक दिन जरूर जीत जाऊंगा एंड वो पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों के प्यार की बदौलत। सो बिना किसी देरी के दोस्तों थैंक यू सो मच, बस ये दिल से एक आया था कि मैं आप लोगों का थैंक यू बोलूं जो कि मैं हमेशा ही बोलता हूं क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूं दोस्तों, ठीक है। तो लव यू गाइज। सो बकचोदी हमने कर ली बहुत, ठीक है अब काम की बात। सो गाइज देखो यार सबसे पहले अगर आप खुद सोचो कि अगर ये आपके माइंड में आता कि रवि भाई गदर और करण अर्जुन एक साथ रिलीज होती, क्योंकि गदर जो है वो क्लैश हुई थी दोस्तों आपको बता दूं कि लगान के साथ, ठीक है, एंड वहां भी लगान ब्लॉकबस्टर हुई एंड लगान को रिकॉर्ड को तोड़ के गदर महाब्लॉकबस्टर हुई। गाइस क्लैश किंग है हमारे सन्नी देओल। जी दोस्तों सन्नी देओल इज द क्लैश किंग और जब भी उनको हम ये नहीं कह सकते, बॉलीवुड का बाप तो है ही वो, लेकिन सन्नी देओल क्लैश किंग भी है। मतलब मैं इस बात की शर्त लगाने को तैयार हूं कि एक तरफ जहां पर सन्नी पाजी के साथ 10 बड़ी फिल्में भी क्लैश हो जाना और महा एक्टर की क्लैश हो जाए, बड़े से बड़ा धुरंधर की एक्टर की क्लैश हो जाए तो भाई सन्नी पाजी जो है ना भाई बॉक्स ऑफिस में फाड़ देंगे। गाइज आपको बता दूं मैं कि अगर ये हम उम्मीद करते एजम्पशन लगाते कि 90s में अगर करण अर्जुन के साथ गदर रिलीज होती केवल तो क्या ही होता। तो देखो दोस्तों आप लोग सोचते कि यार 90s के टाइम में तो ऑफकोर्स सन्नी पाजी का औरा था, करण अर्जुन की बात करूँ तो शाहरुख सलमान वो नए स्टार थे उस टाइम पे, लेकिन सन्नी पाजी ने ऑलरेडी अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे दी थी। तो दोस्तों अगर वो तो शुक्र है कि सन्नी पाजी 90s में भी कई फिल्में नहीं चल पाई थी जो कि सन 2000 में उन्होंने गदर से कम बैक किया। अगर आप सोचो कि उस टाइम पर 90s में फिल्म आती तो भाई मैं कहता हूँ करण अर्जुन ना चल ही नहीं पाती भाई, फ्लॉप हो जाती। लेकिन दोस्तों आप अगर ये सोचते कि अगर क्लैश होता तो भाई साहब एक तरफा मामला होता, वो सन्नी देओल की तरफ मामला होता, करण अर्जुन वहां भी फ्लॉप हो जाती, यहां तक कि ब्लॉकबस्टर जो अभी हुई है वो होती नहीं। अब नाउ दोस्तों एक बार फिर से दोनों फिल्में रिलीज हुई है, गदर अभी रिसेंटली एक साल पहले रिलीज हुई थी एंड आपको बता दूं कि उसका कलेक्शन कितना है वो बताऊंगा, कितने शोज मिले थे एंड करण अर्जुन अभी रिलीज हुई है दोस्तों, जो कि सुनने में आ रहा है कि गदर ने दोस्तों एक साल पहले रिलीज हुई कलेक्शंस के मामले में पहले दिन के मामले में करण अर्जुन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। गाइस देखो दोस्तों आपको बता दूं कि करण अर्जुन ने 2200 स्क्रीन पे दोस्तों चल रही है अभी एंड दोस्तों करण अर्जुन 26 लाख कमाई थी पहले दिन का कलेक्शंस, ठीक है। दोस्तों गदर रिलीज हुई थी अफकोर्स 700 शोज पे, मात्र 700 शोज पे एंड आपको बता दूं कि गदर जो है गाइज उसने जो कलेक्शंस किया था 30 लाख का पहले दिन, 4 लाख ज़्यादा कलेक्शंस किया था और इतने कम शोज पे। अगर मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो लगभग अगर 2200 स्क्रीन मिले होते गदर को तो शायद ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग करोड़ रुपए के पार चली जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शोज कम होने की वजह पे भी कम कलेक्शंस आया, लेकिन ये कलेक्शंस करण अर्जुन के कलेक्शन से बीट करता है दोस्तों। तो गाइज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ
किशन त्रिपाठी हमारे क्लैश किंग है, मासीज ऑफ द गॉड है यार। आई मीन दोस्तों वो ओजी एक्शन स्टार है, जब बात एक्शन की आती है तो पाजी इज ऑलवेज देयर, इज द फर्स्ट चॉइस गाइज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर सलमान शाहरुख की कितनी फिल्में आ जाए, लेकिन सन्नी पाजी का एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही छवि है। एंड जो कि कुछ लोग जो बोल रहे थे ना सन्नी पाजी को नेगेटिविटी फैला रहे थे कि भाई पौआ पी के ऑडियंस आते हैं उनकी फिल्मों देखने के लिए, गाइज सन्नी पाजी की फिल्में देखने के लिए प्योरली क्या बोलते हैं बच्चे तक आते हैं यार। ठीक है, तो जो लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो लोग एक एक्टर की इंसल्ट कर रहे हैं, एक ऐसे एक्टर की जिसने बॉलीवुड के उस टाइम पे बड़ी बड़ी फिल्में दी है जो शायद ऑडियंस कभी नहीं भूल सकती, जनता का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। आपको बता दूं कि गदर 2 के टाइम पे भी ऑडियंस जब इस फिल्म को देखने गई थी तो बच्चे थिएटर से निकल कर दोस्तों जय हिंदुस्तान बोल रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। क्या अगर इन बातों से, ऐसी फिल्मों को देख के आने के बाद दोस्तों अगर ऐसे नारे लगे, भारत के प्रति सम्मान बढ़े, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्में बनानी चाहिए? क्या भारत के प्रति हमारा गर्व जो है वो ऊँचा हो जाए, तो क्या ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए? दोस्तों ये कुछ चंद छपरी यूट्यूबर जो है, शायद वो कुछ ऐसे कम्युनिटी है जो कि उनकी चाटुकारिता करते हैं, बट लिटरली बताऊँ दो गाइस आपको कि ऐसी फिल्में कोई नहीं बनाता, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर एक तरफ गटरवुड की शादी से फिल्में बनती है, जहाँ पर ऐसी फिल्में बनाई जाती है जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद दिखाया जाता है, और अपने हिंदुस्तान जिंदाबाद की फिल्में जब आती है तो ऐसी फिल्मों को शोज़ कम मिलते हैं, स्क्रीन्स कम मिलते हैं, ऐसी फिल्मों को कलेक्शन कम दिखाए जाते हैं, और जानबूझ के दोस्तों ऐसी फिल्मों को दबाया जाता है और उनके अंदर जो एक्टर होते हैं उनको भी फ्यूचर में काम नहीं मिलता। तो गाइज यही सबसे बड़ी वजह है बॉलीवुड के अंदर। इसीलिए दोस्तों इंडियन सिनेमा में मैं साउथ को हमेशा ही प्रमोट करता हूँ, क्योंकि साउथ फिल्मों के अंदर हमेशा ही इंडियन कल्चर को सुप्रीम दिखाया जाता है, और इंडियन जो एक सुप्रीमेसी है, आई मीन दोस्तों भारत के प्रति जो गर्व महसूस किया जाता है, करवाया जाता है साउथ की फिल्मों में दोस्तों, वो देखने को मिलता है। तो गाइज देखो, इसलिए इंडियन सिनेमा, पैन इंडिया जो फिल्में आई है वो साउथ से आई है। एंड सच बताओ दोस्तों, बॉलीवुड के अंदर अब ऐसे डायरेक्टर नहीं बचे हुए, बॉलीवुड वाले भी अब ऐसे साउथ के डायरेक्टर को हायर करते हैं इंडियन बॉलीवुड फिल्मों को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि बॉलीवुड में गटरवुड में ऐसे डायरेक्टर और ऐसे एक्टर नहीं बचे हुए, बहुत ही कम एक्टर बचे हैं लाइक सनी देओल, जो कि बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों दहाड़ रहे हैं। सो गाइज आप देख सकते हो कि आज भी अगर ये रिलीज हो रही है सनी देओल की फिल्म, तो भी दोस्तों बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ रही है, एंड दैट्स द पावर ऑफ सनी देओल दोस्तों। तो गाइज क्या लगता है, क्या वाकई में अगर करण अर्जुन और गदर रिलीज होती तो क्या बॉक्स ऑफिस पे कौन बाजी मारता, क्या वाकई में इस क्लैश में कौन जीतता? कमेंट करो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सनी देओल फैंस असेंबल, लाइक कमेंट करने का, अपने भाई ने बिचौत प्यार देने का, और चैनल पर नए गए सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब।